जिनके लिए जान है, जिनकी जान देश पर कुर्बान है। देश उन्हीं शहीदों को याद कर नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहा है। जी हम बात कर रहे हैं पुलवामा हमले की, जिसमें हमने अपने 40 जवानों को खो दिया। आईबीएन भारत पुलवामा हमले की पहली बरसी पर उन शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहा है। नमस्कार, मैं हूं स्निग्ध अवस्थी और आप देख रहे हैं आईबीएन भारत। आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम जरा याद करो कुर्बानी में। अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला, एक हमला जिससे दहल गई थी भारत की धरती। पुलवामा आतंकी हमले से रो पड़ा था पूरा हिंदुस्तान। आईईडी ब्लास्ट में 40 जवान हुए थे शहीद। 14 फरवरी दिन गुरुवार दोपहर 3:37 का वक्त था। एक जोरदार धमाका और दक्षिण कश्मीर के अवंतीपुरा की सड़कों पर सीआरपीएफ जवानों की चीख पुकार मच गई। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के इलाके थर्रा गए और अफरा तफरी का माहौल बन गया। कुछ पलों के लिए तो किसी को कुछ समझ ही नहीं आया और जब होश आया तो बस चारों तरफ धुएं का गुबार नजर आने लगा। अगले ही पल ये समझते किसी को देर नहीं लगी कि सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमला हुआ है। दरअसल सीआरपीएफ का एक बड़ा काफिला जम्मू से श्रीनगर जा रहा था। इस काफिले में सीआरपीएफ के जवानों से भरी लगभग 70 गाड़ियां थी और उन गाड़ियों में 2400 जवान अपनी मंजिल की ओर बढ़े चले जा रहे थे। नेशनल हाईवे पर जा रहा काफिला श्रीनगर से पहले पुलवामा के अवंतीपुरा पहुंचा ही था। एक एक करके जवानों की बस गुजर रही थी और जैसे ही काफिले की 5वीं बस निकली, उसी वक्त वहां पर पहले से इंतजार कर रही एक गाड़ी बस की ओर बढ़ी और बस से जा टकराई। और उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई वो रोंगटे खड़ी कर देने वाली थी। सीआरपीएफ की जवानों से भरी बस के परखच्चे उड़ गए। उरी हमले के बाद ये सबसे बड़ा आतंकी हमला था। धमाके के बाद गाड़ी में आग लग गई। थोड़ी देर बाद जो तस्वीरें सामने आई वो और भी डरा देने वाली थी। नेशनल हाईवे से उड़ी गाड़ी के परखच्चे दूर दूर तक जा गिरे। धमाके के बाद जवानों के बैग और दूसरे सामान सड़क पर बिखरे मिले। बर्फ से गीली हुई सड़क पर चल रही बस में धमाका हुआ तो हर किसी के होश फाख्ता हो गए। सुरक्षा बलों के जवानों ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। फरवरी महीने की 14 तारीख आते ही हर किसी के जहन में वैलेंटाइन डे का जिक्र हो जाता है, लेकिन साल 2019 की 14 फरवरी देश के इतिहास में काला दिन था। इस दिन पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने पुलवामा में आतंकी हमला किया था, जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। पाक की नापाक हरकत, जैश ए मोहम्मद ने रची हमले की साजिश। ऑपरेशन ऑल आउट से बौखला कर दिया हमले को अंजाम। आत्मघाती हमले ने ली 40 जवानों की जान। कश्मीर में आतंकवाद के सफाई के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन ऑल आउट से बौखलाए आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने दक्षिण कश्मीर के अवंतीपुरा में सुरक्षा बलों के खिलाफ बड़े हमले को अंजाम दिया, जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के प्रवक्ता मोहम्मद हसन ने हमले के बाद एक बयान जारी कर कहा था कि जवानों की दर्जनों गाड़ियों को धमाके में बर्बाद कर दिया गया। प्रवक्ता ने बारूद से लदी गाड़ी के ड्राइवर का नाम आदिल अहमद बताया, जो कि कश्मीर के पुलवामा का ही रहने वाला था। डार हमले के एक साल पहले आतंकी संगठन में शामिल हुआ था और उसके घर वालों ने उसे आखिरी बार मार्च 2018 में देखा था। एक तरफ भारतीय जाबाजों का इतना बड़ा काफिला और दूसरी तरफ जैश ए मोहम्मद का एक आतंकी, जिसने हमारे 40 जवानों की जान ले ली। जहां लोगों में अपने जवानों को खोने का गम था, वहीं दूसरी तरफ उनकी सुरक्षा में हुई चूक पर भी सवाल उठने लगे थे। खुफिया विभाग ने एक हफ्ते पहले ही सुरक्षा बलों के खिलाफ इस तरह के हमले की आशंका जताई थी और कहा था कि आतंकी काफिले के रास्ते में आईईडी ब्लास्ट कर सकते हैं। जिस दौरान आतंकियों ने हमला बोला था, उस दौरान सीआरपीएफ की 3 बटालियन का मूवमेंट हो रहा था। इन सीआरपीएफ के एक बटालियन में 800 जवान होते हैं और इनके मूवमेंट में करीब 70 गाड़ियां थी। आंतरिक रिपोर्ट के मुताबिक काफिले की आवाजाही के दौरान आम वाहनों को जाने की इजाजत देना सीआरपीएफ के लिए महंगा साबित हुआ। जाँच में पता चला कि असामान्य रूप से लंबा काफिला भी एक वजह था। वहीं भारी बर्फबारी के कारण 4 फरवरी के बाद से
कोई भी वाहन जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर नहीं चल रहा था। पुलवामा हमले की देश ही नहीं विदेशों में भी कड़ी निंदा की गई। हमले में घायल और शहीद हुए जवानों का बदला लेने के लिए हर हिंदुस्तानी का खून खौल रहा था। जहां एक तरफ उनके परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था, वहीं दूसरी तरफ इंडियन आर्मी पाक का नामो निशान मिटाने को बेताब थी। शहीदों के परिवारों पर टूटा दुखों का पहाड़, विलखती पत्नियों ने दी अंतिम विदाई, बच्चा बच्चा मांगे शहादत का बदला, एक बार फिर गूंजी सर्जिकल स्ट्राइक की मांग, पाक को मिटाने का मास्टर माइंड प्लान, शहीदों की 13वीं से पहले लिया बदला, जवानों की शहादत के बाद से ही लोग सरकार से पाकिस्तान से बदला लेने की मांग कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कड़े शब्दों में पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी थी। उन्होंने सेना को खुली छूट देने की बात कही थी। वहीं विपक्ष भी पुलवामा हमले को लेकर सरकार के साथ खड़ा था। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने तीनों सेना के प्रमुखों और भारतीय दूतावास के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक को खत्म हुए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए कि भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। वैसे तो 13वें दिन को हिंदू रीति रिवाज में अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन पुलवामा हमले के 13वें दिन जो काम भारतीय जवानों ने किया वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। खोज खोज कर मारे गए आतंकी, हवा से सिखाया पाक को सबक, आधी रात को आतंकी कैंपों पर बरसे बम, 300 से ज्यादा आतंकियों को किया ढेर। इस हमले के बाद पूरा हिंदुस्तान रो पड़ा था। हर कोई चाहता था शहीद जवानों का बदला लेना। भारत ने पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए पूरा प्लान तैयार किया और 26 फरवरी की रात जब दुश्मन अपनी जीत का जश्न मनाने के बाद चैन से सो रहा था, तभी सीने में देशभक्ति की आग लिए भारतीय जवान हवा के रास्ते पाकिस्तान में घुसे और बालाकोट में एयर स्ट्राइक को अंजाम दे डाला, जिसमें आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया और आतंकी कैंपों का सफाया कर दिया गया। साथ ही पाक की नापाक धरती पर पनप रहे आतंकवाद की पोल भी खोल कर रख दी। वायुसेना के करीब 12 मिराज विमानों ने इस बालाकोट ऑपरेशन को अंजाम दिया। इस हमले में 300 से ज्यादा आतंकी मारे गए। वहीं पाकिस्तान ने भी हमले की बात स्वीकार कर ली। पुलवामा हमले में शहीद हुए 39 जवानों को खोना देश के लिए एक बुरे सपने जैसा था। भले ही हमने इस हमले में अपने 40 जवानों को खोया हो, लेकिन आज भी वो हमारे दिलों में जिंदा हैं और उनकी वीरता की गाथाएं सदा के लिए अमर हो गई। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए आई बिन भारत। नमस्कार।